काम में जब एकाग्रता होना तो ध्यान रखना असंभव काम भी संभव हो जाता है। बस उस काम में आप कॉन्सेंट्रेट करके करना। आपको लगता है कि यार ये काम असंभव है, नहीं हो सकता है, लेकिन बड़े ध्यान से करिए, धीरे 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 वो काम है ना आपसे हो जाएगा। चाहे कोई सा भी काम हो, आप स्टूडेंट हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे घर का काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ध्यान लगा रख करना। अभी मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा, आप सडन सरप्राइज करोगे कि सर ऐसा भी हो सकता है। कोई आदमी इतना अनुमान भी लगा सकता है? ऐसा अनुमान तो सिर्फ ज्योतिष ही लगा सकता है, अभी आप कहोगे। लेकिन उस व्यक्ति ने वो अनुमान लगाया और बिल्कुल परफेक्ट निकला। कैसे? एकाग्रता से, कॉन्सेंट्रेट से। जब आप भी कोई भी काम कॉन्सेंट्रेट से करोगे ना, तो आपको वो असंभव लगने वाला काम भी संभव लगेगा। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया का नाम सुना होगा, भारत रत्न। 15 सितंबर 1860 को उनका जन्म हुआ और 15 सितंबर को ही, हर 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो एक महान इंजीनियर थे। उनका एक किस्सा बहुत चर्चित हुआ, पता आपको? एक बार वो ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई होती है, उनके आसपास अंग्रेज भी बैठे हुए होते हैं और ट्रेन बड़ी स्पीड से चल रही होती है। तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया तुरंत उठते हैं और ट्रेन की चेन को खींचते हैं। ट्रेन रुक जाती है, दौड़ा दौड़ा गार्ड आता है और पूछता है कि ट्रेन की चेन किसने खींची। तो वो विश्वेश्वरैया उठते हैं और वो कहते हैं कि मैंने खींची। तो वो गार्ड पूछता है कि आपने क्यों खींची? कि उन्होंने कहा कि यहां से आगे 2 गज की दूरी पर ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई है। तो वहां पर वो गार्ड और वहां उनके आसपास बैठे लोग बड़े सडन सरप्राइज होते हैं कि इनको कैसे पता कि 200 गज के आगे ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई है। तो लोग बिलीव नहीं करते, सब उनके साथ साथ में चलते हैं, थोड़ा से आगे जाते और वाकई में देखते हैं कि ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई है। सब बड़े आश्चर्य हो जाते हैं, यार इसने कैसे कर दिया, कैसे कर दिया। तो जब लोगों ने पूछा कि आपने ये सब कैसे कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये सब अनुभव से आता है और ये सब कोई भी काम एकाग्र करने से आता है। मैंने एकाग्रता से हर काम किया है, इसीलिए ये अंदाजा मैं लगा पाया। उन्होंने कहा कि जब ट्रेन की गति में अंतर आया, पटरी पर चलने वाली आवाज का अंतर आया, तो मुझे लग गया कि आगे पटरी उखड़ी हुई है। तो इस मोटिवेशनल स्टोरी से आप क्या समझते हैं? कि अगर आप भी कोई भी काम एकाग्रता से करते हो और पूरे ध्यान लगा से करते हो और रेगुलर करते हो, तो आप भी असंभव काम को संभव कर सकते हैं। तो लाइफ में काम कोई सा भी हो, कॉन्सेंट्रेट होके करना, पूरा मन लगा के करना, उस काम में आप परफेक्ट हो जाओगे और सक्सेस बनकर निकलोगे।